हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नितिश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मशीन लर्निंग में सबसे हाई परफॉर्मिंग मॉडल्स जो होते हैं वो आपको मोस्टली या तो बैगिंग से मिलते हैं या तो बूस्टिंग से मिलते हैं। बट बहुत सारे इंटरव्यूज में कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मशीन लर्निंग टेक्निक्स में सबसे बड़े डिफरेंसेस क्या है, और बहुत लोगों को ये पता नहीं होता। सो नाउ दैट हमने बैगिंग भी पढ़ लिया और बूस्टिंग में भी हमने एडा बूस्ट कंप्लीट कर लिया है, मुझे लगता है ये सही टाइम है इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए कि बैगिंग और बूस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है। मैं आपको प्रिसाइजली तीन पॉइंट्स के ऊपर बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है किस तरह का मॉडल यूज होता है दोनों में, दूसरा पॉइंट है टाइप ऑफ लर्निंग, और तीसरा पॉइंट है वेटेज ऑफ बेस लर्नर्स। ठीक है, सबसे पहले लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, विच इज टाइप ऑफ मॉडल यूज। अब आई गेस आपको इतना पता है, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं एंसेंबल लर्निंग के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि एंसेंबल लर्निंग की जरूरत इसलिए है क्योंकि मशीन लर्निंग में आपको ऐसे मॉडल्स चाहिए जिनका बायस लो हो और वेरिएंस भी लो हो। राइट, बायस का मतलब ट्रेनिंग डेटा के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट आना, और वेरिएंस का मतलब अगर डेटा में थोड़ा चेंजेस आए तब भी मॉडल का परफॉर्मेंस वैसा ही रहे। और हमें ऐसा चाहिए होता है कि बायस भी कम हो और वेरिएंस भी कम हो, बट ये दोनों अचीव कर पाना बहुत डिफिकल्ट काम होता है क्योंकि बायस के बढ़ने से वेरिएंस घट जाता है और वेरिएंस के घटने से बायस बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तीन टेक्निक्स होती हैं, रेगुलराइजेशन, बैगिंग और बूस्टिंग। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि बैगिंग में किस टाइप का मशीन लर्निंग मॉडल यूज होता है और बूस्टिंग में किस टाइप का मशीन लर्निंग मॉडल यूज होता है। सो हमारा टारगेट इज टू अचीव लो बायस लो वेरियंस मॉडल, दोनों लो करना है। अब आप जब बैगिंग का बात करते हो तो बैगिंग में आप ऐसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लेते हो जिनका बायस लो होता है और वेरिएंस हाई होता है, जैसे कि एक फुली ग्रोन डिसीजन ट्री। एक फुली ग्रोन डिसीजन ट्री ट्रेनिंग डेटा पे बहुत कम गलती करेगा, मतलब उसका बायस लो रहेगा, बट अगर आप डेटा में चेंजेस कर दो तो वेरियंस उसका अच्छा नहीं रहता, वेरियंस हाई रहता है तो उसका परफॉर्मेंस हिल जाता है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फुली ग्रोन डिसीजन ट्री, और भी एग्जांपल्स हैं KNN, पिथ, लो नेबर काउंट। और बूस्टिंग में आप ऐसा मॉडल लेते हो जहां पे बायस हाई होता है वेरिएंस लो होता है, जैसे कि एक शैलो डिसीजन ट्री। शैलो डिसीजन ट्री का मतलब एक ऐसा डिसीजन ट्री जिसका डेप्थ बहुत कम है। इसका एक एग्जांपल हो गया डिसीजन स्टंप। डिसीजन स्टंप एक ऐसा डिसीजन ट्री होता है जिसका मैक्सिमम डेप्थ इज 1, बेसिकली कुछ ऐसा दिखाई देगा, दिस इज अ डिसीजन स्टंप। वेयर एज अगर आप एक फुली ग्रोन ट्री का बात करो तो वो बहुत ही ज्यादा डीप चला जाता है, इस तरीके से बहुत ही डीप चला जाता है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन। अगर आपके पास एक ऐसा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो ट्रेनिंग डेटा पे बहुत अच्छा है बट डेटा में चेंजेस होने पर बुरा है, आप बैगिंग यूज करोगे। अगर आपके पास एक ऐसा एल्गोरिदम है जो ट्रेनिंग डेटा पे उतना अच्छा नहीं है बट डेटा के चेंज होने पे उतना फर्क उसको नहीं पड़ेगा, तो आप बूस्टिंग यूज करोगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। द नेक्स्ट पॉइंट इज सीक्वेंशियल वर्सेस पैरेलल लर्निंग। अब अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे बैगिंग के, तो बैगिंग स्टैंड्स फॉर बूटस्ट्रैप्ड एग्रीगेशन। वहां पे आप क्या करते हो, आपके पास एक डेटा सेट होता है और आपके पास खूब सारे बेस लर्नर्स होते हैं अलग अलग डिसीजन ट्रीज। राइट, दिस इज मॉडल 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अब यहां पे मान लो आपके पास 1000 रोज है, तो आप क्या करते हो, रैंडमली इसका एक सब पार्ट या पोर्शन उठा करके इस मॉडल को देते हो, दूसरा इसको देते हो, तीसरा इसको देते हो, एंड सो ऑन। बेसिकली इस डेटा का एक पोर्शन रैंडमली उठा करके आप इन सारे मॉडल्स को देते हो। ये सारे मॉडल्स साथ में ट्रेन होते हैं, सो पैरेलल वर्ल्ड पे फोकस करना है आपको। बैगिंग पैरेलली होता है, सारे मॉडल्स साथ में ट्रेन होते हैं, डेटा अलग अलग मिलता है सभी को लेकिन ट्रेनिंग साथ में होता है। ठीक है, वेयर एज इन बूस्टिंग आप सीक्वेंशली लर्निंग करते हो। सबसे पहले डेटा जाएगा मॉडल 1 के पास, मॉडल 1 उसके ऊपर काम करेगा, फिर वो अपनी गलतियां मॉडल 2 को बताएगा, फिर मॉडल 2 अपना काम करेगा, फिर वो अपनी गलतियां मॉडल 3 को बताएगा, फिर मॉडल 3 अपना काम करेगा, एंड सो ऑन। एंड दैट इज वाई सीक्वेंशियल वर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मॉडल सीक्वेंशली लर्न करता है बूस्टिंग के अंदर। ये दो स्टेप्स आई गेस आपको क्लियरली समझ में आ गए। द थर्ड पॉइंट इज वेटेज कितना रहता है बेस लर्नर का। बेस लर्नर क्या होता है, ये जो छोटे छोटे मॉडल्स हैं जिनको मिला करके बड़ा मॉडल बनता है, इनका वेटेज कैसा रहता है। सो अगर आप बैगिंग का बात करो, सो बैगिंग में जब ये सारे मॉडल्स ट्रेन हो जाते हैं और एक नया क्वेरी पॉइंट आता है,
तो प्रिडिक्शन कैसे होता है, इस क्वेरी पॉइंट को आप सभी के पास भेजते हो और सिंस ये सब ट्रेन है ये कुछ आउटपुट देंगे, ये वन बोलेगा, ये वन बोलेगा, ये जीरो बोलेगा, ये वन बोलेगा। अब यहां पे क्या होता है, इन सारे मॉडल्स का जो से है वेटेज है वो बराबर है, इट्स लाइक डेमोक्रेसी, सभी का वोट बराबर है। तो सिंस तीन लोगों ने बोला वन तो आप बोलोगे आउटपुट इज वन, यहां पे सारे मॉडल्स बराबर है। बट अगर आप बूस्टिंग का बात करो तो बूस्टिंग में हर मॉडल का एक वेट होता है 0.8, 1.5, 5। अब यहां पे ये मॉडल जो बोलेगा उसकी बात ज्यादा सुनी जाएगी इन कंपैरिजन टू दिस मॉडल। सो ये थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है कि आपके जो बेस मॉडल्स होते हैं बैगिंग के अंदर उनका वेटेज बराबर होता है, सभी का वेटेज बराबर है, सबकी बात आप बराबर मानोगे डेमोक्रेसी की तरह। वेर एज बूस्टिंग में आपका वेट अलग अलग होता है, जिसकी वजह से जो ज्यादा बढ़िया मॉडल है उसकी बात आप ज्यादा सुनते हो वाइल डूइंग प्रिडिक्शन। सो यही तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन है बिटवीन बैगिंग एंड बूस्टिंग।